अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। सो दोस्तों, अभी मौजूद हूँ मैं दुबई मॉल के अंदर। यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही खूबसूरती है, मतलब चीज़ों की बहुत ही क्लीन हर चीज़ इतनी क्लीन है कि ये जो पत्थर है ना, ये भी जो है ना वो आपको आपका फेस दिखा सकता है, इतना साफ इन लोगों ने रखा हुआ है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो दुबई मॉल के अंदर वो चीज़ें कितनी कॉस्टली हैं और क्वालिटी वाइज कैसी हैं इधर। तो क्योंकि दुबई मॉल बहुत बड़ा मॉल है, तो तकरीबन दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, तो इसके अंदर 1000+ जो है वो शॉप्स हैं। तो अभी मैं कुछ शॉप्स को कवर अप करूँगा, तो देखते हैं इधर प्राइसेस वगैरह क्या हैं, शूज़ की प्राइसेस और ड्रेसेस की, जो कपड़े हैं उनकी प्राइसेस हमारे साथ और इनका कितना जो है ना वो डिफरेंस है। बाहर वाली जो मॉल्स हैं, बाहर जो इसके अलावा जो हमारे पास है ना मॉल, वहाँ पे प्राइसेस में कितना कंपैरिजन है। तो यहाँ पे भी चलते हैं इस शॉप के अंदर, यहाँ पे मैं आप लोगों को टैग दिखाता जाऊँगा, तो आप लोग देखते जाइएगा। ये है वूल टाइप की, जो काफ़ी जो है ना हैवी टाइप जर्सी है, इस डबल है। सो दोस्तों ये डबल है और इसकी जो अमाउंट भी इधर कहीं पे मेंशन होगी, अमाउंट का जो कार्ड है वो यहाँ पे नहीं है। और क्वालिटी वाइज जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं। तो अभी आपको मैं ना सेकंड यहाँ पे दिखाता हूँ, ये ट्राउज़र ये शर्ट्स हैं, इनकी प्राइसेस शायद यहाँ पे मेंशन होगी। यस देयर, यहाँ पे है, ये 900 दरम की है, ये 900 दरम की है और ये सिर्फ एक जैकेट। तो पाकिस्तान में ये तकरीबन 1000-1500 रुपये की मिल जाती होगी। और यहाँ पे ये देखें शर्ट्स शूज़ हैं, सभी चीज़ों की प्राइसेस यहाँ पे जो है ना वो मेंशन है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे फॉरेनर के ड्रेसेस भी होंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये शर्ट्स हैं, ये लेडीज़ की शर्ट्स हैं और यहाँ पे ये जैकेट्स हैं, ये जैकेट्स हैं। यहाँ पे हैं हमारे पास जेंट्स की चीज़ें, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें क्वालिटी वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर क्वालिटी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही, क्वालिटी वाइज बहुत चीज़ें अच्छी होंगी। ये देखिए, ये कपड़ा मैंने पाकिस्तान में कभी देखा ही नहीं भाई, ये बनता सारा पाकिस्तान के अंदर ही है लेकिन पाकिस्तान के अंदर चलता नहीं है, क्योंकि इतना जो कॉस्टली है वो लोग पहनते नहीं हैं हमारे यहाँ। तो ये देखें, आपको मैं टैग निकाल के पढ़ के सुनाता हूँ। ये देखें, ये 1000 दरम का है भाई, ये अपर और इसके साथ ये है, ये 1000 दरम का है, 1000 दरम मतलब कि पाकिस्तानी कितने बन जाएगा, 78 के हिसाब से 78,000-80,000 रुपये बन जाएगा, इतना कॉस्टली है ये। और यहाँ पे सॉक्स के देखते हैं, सॉक्स की प्राइसेस क्या हैं। ये है भाई साहब हमारे पास होगी यहाँ पे प्राइस, ये देखें, ये 65 दरम की हैं भाई, ये कितने हैं, दो जोड़े जराबों के हैं वो 65 दरम के हैं यहाँ पर, मतलब इतनी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें। ये 65 को आप 78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी कॉस्टली है। यहाँ पे देखते हैं, ये शर्ट्स हैं। अच्छा ये है कि चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी क्वालिटी मैंने पाकिस्तान के अंदर देखी नहीं है, किसी मॉल के ऊपर भी इस तरह की क्वालिटी नहीं पड़ी होती जो यहाँ पर पड़ी हुई है। तो अभी ये हमारे पास 3 पीस है, 3 पीस की जो है प्राइस मैं चेक करता हूँ, 3 पीस की इसकी प्राइस तो मेंशन नहीं है। यहाँ पे ये पैंट्स हैं, ये कॉटन की पैंट्स हैं, तो ये तकरीबन 700 दरम की भाई साहब, 700 दरम की ये पैंट है। तो जो पाकिस्तान में ये महंगी से महंगी भी होगी ना तो 8-10 हज़ार की होगी, बस इससे ज़्यादा की नहीं होगी। ये यहाँ पे भी चीज़ें इतनी सस्ती हैं, लेकिन ये दुबई मॉल है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रेंट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, छोटी जो है शॉप से वो तो बैठी हुई, और ये शॉप है ये देखें। यहाँ पर मैं आप लोगों को ड्रेसिस वगैरह दिखाता हूँ, ये देखें वहाँ पर लेडीज़ के लगे हुए हैं सारे और यहाँ पर जेंट्स के हैं, ये सारे कोट्स वगैरह लगाए हुए हैं। ओके थैंक यू। सो दोस्तों यहाँ पर है, ये लेडीज़ के बैग हैं, तो यहाँ पे ये देखें क्वालिटी इनकी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे इसको खोलता हूँ, ये देखें कितनी अच्छी हैं ये शूज़ हैं, लेडीज़ के शूज़ हैं। तो इसकी प्राइस ये देखें 1980 दरम है, 1980 भाई साहब, 2000 दरम, 2000 दरम इसकी प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है यहाँ पे। ये देखें आप लोग चीज़ों का, इन लोगों ने ना ये खूबसूरती के ही पैसे हैं भाई साहब, यहाँ पे खूबसूरती के ही पैसे हैं। ये देखें ये शूज़ हैं,
इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये है हमारे पास 1980 धर्म, तकरीबन 2000 धर्म का ये है। और ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये देखें, ये लेडीज़ के बैग हैं। वो बैग्स की प्राइसेस आई थिंक नीचे मेंशन होगी, ये बैग्स की प्राइसेस जो है मेंशन नहीं है। ये देखें बैग्स, इतने खूबसूरत बैग्स हैं इनके पास कि हमारे तरफ जो है ना वो ये इतने खूबसूरत बैग्स नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर जो खूबसूरती के पैसे हैं। ये देखें ये शूज़ हैं, शूज़ की प्राइस भी नीचे मेंशन होगी। ये देखें 1400 धर्म के ये शूज़ हैं। तो पाकिस्तान में ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको 10,000 के, 12,000 के मिल जाएंगे। यहाँ पे जो है ना वो प्राइस सिर्फ एक खूबसूरती की है कि यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादातर जो गोरे लोग हैं ना वही यहाँ पर आते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो है ना वो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं घर के यूज़ के लिए, ग्लास वगैरह और छोटी छोटी ये मतलब प्लेटें हैं, लेकिन ये सूची चीनी की जिसको नहीं हम कहते, ये उस मटेरियल की लग रही है मुझे। और ये ग्लास हैं और यहाँ पे इनकी प्राइसेस इसके ऊपर मेंशन नहीं है, प्राइसेस तो काफ़ी ज़्यादा होंगी। ये देखें इन लोगों ने ना, ये अभी जो है वो क्रिसमस आ रहा है ना, तो इन लोगों ने हर चीज़ को ना वो क्रिसमस की शेप में लगाया हुआ है। ये छोटे छोटे बच्चों के ना क्रिसमस के लिए हैं। ये देखें उसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें, ये देखें ये पिलो टाइप है। ये देखें जी, ये 200 धर्म का है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, ये 200 धर्म का है। और यहाँ पर बाकी भी सारी की सारी चीज़ें, ये देखें ना इन लोगों ने ये चीज़ों को खूबसूरती के साथ बहुत सजाया हुआ है। थैंक यू। सो दोस्तों ये जो भाई है ना हमारे साथ, इन लोगों ने इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट किया है। तो ये भाई है मेरे साथ, तो यहाँ पे ये ड्रेसेस ज़रा लगे हुए हैं। कैन यू टेल मी द प्राइस? सो दोस्तों ये अभी हमें भाई बताएंगे प्राइस कितनी है। हाउ मच? 849। ये तकरीबन है 900 धर्म का, ये 900 धर्म का है। और ये लड़कियों के ड्रेसेस हैं, ये लड़कियाँ देख सकती हैं, ये लड़कियों के ड्रेसेस हैं। Can you, yeah? So look, this one is, yeah, this one. How much? 649। तकरीबन 650 धर्म का है भाई साहब। ये लेडीज का ड्रेस है, ये मतलब ज्यादातर लाहौर में भी पहन लेते हैं लोग, फैसलाबाद में तो इस तरह के ड्रेसेस नहीं लोग पहनते, और इंडिया में भी सारी बात लोग पहनते हैं इस तरह के ड्रेसेस। और यहाँ पे शर्ट्स हैं, ये जैकेट्स कैन 1,600। ओ भाई साहब ये बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। ये तकरीबन 1,600, ये 1700 धर्म की, ये 1700 धर्म का आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना बनता है। तो ये बहुत बड़ी शॉप है इधर, तो इसका नाम है द ड्रेस शॉप। द ड्रेस शॉप के नाम से ये ना दुबई मॉल के अंदर शॉप है। मतलब ये है कि इसकी जो प्राइसेज है ना बाकी शॉप से कम है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में चीज़ें लगाई हुई हैं। और वहाँ पे ज्वेलरी भी लगी हुई है, इस सेक्शन में ज्वेलरी भी लगी हुई है, और यहाँ पे भी ड्रेसेस वगैरह ही सारे लगे हुए हैं। तो मैं अगर, क्योंकि यहाँ पे भी पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, तो फिर ही अब आपको जो है ना वो वीडियो बनाने देते हैं। मैं एक शॉप पे गया था वीडियो बनाने के लिए, तो उन्होंने मुझे रोक दिया था कि भाई वीडियो नहीं बना सकते आप लोग। ये देखें इन लोगों ने ना हर चीज़ को, अभी इन लोगों ने चीज़ों को इसलिए भी ज़्यादा अच्छे तरीके से टेक्सचर दिया हुआ है, क्योंकि अभी जो है ना वो क्रिसमस आ रहा है, तो वो जो ग्रेस लोग हैं ना, गोरे लोग हैं, वो अभी जो है ना वो दुबई की तरफ आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो वो दुबई में आएंगे तो यहाँ से शॉपिंग वगैरह करेंगे। थैंक यू सो मच ब्रो। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे ये देखें इन लोगों ने ये क्रिसमस के लिए लगाया हुआ है, ताकि लोग जो है इसको देखें। ये क्योंकि अभी हर तरफ जो है वो क्रिसमस की जो है ना वो तैयारियाँ चल रही हैं, तो इसलिए हर चीज़ जो है ना अभी डेकोरेट की हुई है क्रिसमस के हिसाब से इन लोगों ने। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, फिरने तुलने के लिए जो है ना वो चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं हर चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मैंने आपको दिखाया, वो लड़का बता रहा था कि जितनी जितनी प्राइसेस थी, तो मैंने वो सारी आपको जो है ना वो उर्दू में बताई कि कितनी कितनी प्राइसेज हैं। तो यहाँ पर खाने पीने के जो है ना वो स्टॉल भी इतने कॉस्टली हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो अगर आप लोगों ने भैया यहाँ पर आ रहे हो ना,
तो अपने घर से आते हुए चीज़ें वगैरह लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो चीज़ें खाने पीने की बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। ये देखें ड्रेसेस वगैरह लगे हुए हैं, ये सारे के सारे ड्रेसेस जो है ना वो हमारे कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश यहीं पर बनते हैं, क्योंकि वहीं पर सारी की सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं ना। तो ये देखें इतने इतने खूबसूरत ड्रेसेस ना भाई साहब, और ये भी हैं भी सारे के सारे जो ना लोग गोरे जो पहनते हैं ना वो ड्रेसेस, वही ड्रेसेस हैं। तो हमारे पाकिस्तानी लोगों के पहनने वाले ड्रेसेस भी इनमें बहुत कम है। सो दोस्तों इन लोगों को भी पता है यहाँ पर कि भाई जान ब्लॉगर वगैरह आते रहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे दुबई मॉल के अंदर ब्लॉगर का आना मस्ट है, क्योंकि जो भी आता है वो विज़िट करने के लिए दुबई यही तो दुबई में चीज़ें, दुबई मॉल हो गया, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी पॉइंट्स और भी हैं। दुबई फ्रेम है वो जहाँ पर कॉप सा बना हुआ है वो भी है, और पार्क वगैरह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लोग ना काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं, तो उनको पता चल जाता है कि भाई ये ब्लॉगर है तो इसने मतलब वीडियो वगैरह बनानी है, तो वो लोग कहते हैं भाई जान बना लो आप। एक जगह मैं गया तो उन्होंने मुझे तो रोक दिया था, वो तो कहते भाई आप बना नहीं सकते क्योंकि मैंने परमिशन भी नहीं ली थी। तो उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये परमिशन लेने बगैर आप नहीं बना सकते। तो अभी चलते हैं, मुझे तो रास्ता भूल गया कि मैंने अभी जाना कहाँ पे था, तो मैंने एक दो पॉइंट जो है ना वो कवर करने थे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो वो मुझे नहीं मिले, मुझे पता नहीं वो कहाँ पर चला गया, मैंने पूछा तो था मैं, लेकिन मेरे माइंड में भी निकल गया वो। ये देख यहाँ पर भी देखें, ये देखें इन लोगों ने क्रिसमस के लिए ना जगह जगह पे ना क्रिसमस के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे वो देखें, ये देखें दुबई मॉल है ये, एक अट्रैक्शन के लिए बना हुआ है, यहाँ पे लोगों के अट्रैक्शन के लिए है कि यहाँ पे लोग आए अट्रैक्ट हों, तो फिर ही क्योंकि जो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे वही शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो बाकी देखते हैं चलते हैं, और भी मैं किसी ना किसी शॉप पर जाता हूँ, शूज़ वगैरह की शॉप पर जाता हूँ, वहाँ पे देखते हैं कि शूज़ की जो प्राइसेस है ना वो हमारे पाकिस्तान से कितनी डिफरेंस है। सारी बातें डिफरेंट तो होंगी, बल्कि ये तो दुबई में दुबई से डिफरेंट होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं। वो सामने देखें एक बना हुआ है, ये मूवी का किसी मूवी में आता है, ये पता नहीं उसका क्या नाम है मुझे, तो ये करेक्टर है मतलब बना हुआ है ना, तो जो मूवीज़ होती है ना उनमें ये करेक्टर बना हुआ है, एक पता नहीं इसका नाम क्या है, ग्रीन कलर का होता है आई थिंक, मैंने काफ़ी बार देखा है ग्रीन कलर का होता है। ये चेक करें आप, ये अभी तो दिन में खूबसूरती नज़र नहीं आ रही, रात के टाइम पे ये लाइटिंग बढ़ भी जाती है, और यहाँ पे ये नीचे जो है ना वो आपको शीशा नज़र आता है हर तरफ, इतनी जो इन लोगों ने अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो नीचे टाइल वगैरह लगाई हुई है, जो भी लगाया टाइल लगी हुई है नीचे, और इतनी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है ना जिसकी खा दी। ये देखें आप ऊपर से, तो दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे, एक शूज़ की शॉप है जहाँ पे काफ़ी क्वालिटी में जो है ना वो शूज़ लगे हुए हैं, अभी इनकी जो है ना वो क्वालिटी देखते हैं, और इनकी प्राइसेस जो है ना वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इनके प्राइसेस पता नहीं कहाँ पे मेंशन होंगी, तो अभी पूछ लेता हूँ भाई से कि इनकी प्राइसेस जो है ना उन्होंने कहाँ पर मैंशन की हुई है। ये सारे का सारा शूज़ लगा हुआ है, ये जिसको हम पाकिस्तान में बम्पी टाइप नहीं कहते, ये उस तरह का है, और इसकी प्राइस ये देखें, ये नीचे लिखी हुई है 1495 दरहम, ये लिखी हुई है, पता नहीं ऊपर वाली है नीचे वाली कुछ भी हो सकता है इसमें, तो अभी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं ये क्वालिटी वाइज जो है ना, वो क्वालिटी वाइज इसलिए क्वालिटी ये पाकिस्तान में भाई सब बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस तरह की क्वालिटी मिलती होगी। मैंने तो भाई इतने मतलब फिरे हैं ना, घूमे फिरे हैं ना, फैसलाबाद में तो नहीं मिलती, मैंने देख लिया फैसलाबाद में जितने मॉल्स हैं ना, लाहौर में हो सकती है भाई, लाहौर का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी कॉस्टली चीज़ें ना वो लोग हमारे जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो भी इसी तरह का है कि भाई पहने 10-15 बार पहने बाद में छोड़ दिया, तो इसलिए जो ना चीज़ें ये चेक करें आप लोग। ये शूज़ तो सारा के सारा ज़्यादातर जो है ना वो चाइना से आता है, थैंक यू सो मच सर, तो शूज़ जो है वो सारा के सारा चाइना से आता है, और ये आप लोग देख सकते हैं इन लोगों ने बाहर से ना ये जो डेकोरेशन के लिए लगाए हुए हैं, ये देख ये जैकेट, ये लेडीज़ का ड्रेस है और ये लेडीज़ के शूज़ हैं, आप बाहर से देख लें, अभी मैं उनको थैंक यू बोल के वापस बाहर आ चुका हूँ, तो अभी मैं अंदर नहीं जाऊँगा, तो जगह जगह पे इन लोगों ने वो लाइट्स लगाई हुई हैं,
तो मुख्तलिफ चीज़ों को कवर अप दिखाने के लिए, क्योंकि लाइट्स जब नीचे ज़मीन को पड़ती है ना, तो जो नीचे से जो है वो चीज़ हर जगह शाइन करती है, हर चीज़ शाइन करती है। तो ये देखें इधर हर चीज़ जो है ना वो खूबसूरत की साथ लगी हुई है। ये देखें तो दोस्तों, मुझे जो दुबई मॉल के अंदर सबसे अच्छी शॉप नज़र आई है ना, वो यही है। इस लोगों के ये जो कलर है ना, ये कलर इतना प्यारा है ना, तो जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो ये देखें कितना शाइन करता है, बाहर से इतना अच्छा नज़र आता है ना। तो मैं आपको प्राइसेस वगैरह दिखाता हूँ इनकी। ये शूज़ है तो इसकी प्राइस कहीं पर मैंशन होगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। यहाँ पे जो है ना वो दुबई मॉल के अंदर जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, दुबई मॉल है ये हमारे पास। तो आज मैं दुबई मॉल के अंदर आया हुआ था, तो मैंने कहा यहाँ पे चीज़ें ना वो मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर बैग्स वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये शूज़ वगैरह जो है ना यहाँ पर थे। तो वो शॉप वालों ने मुझे क्या कि भैया आप वीडियो यहाँ पर अलाउड नहीं, क्योंकि इनकी जो ना वो जो शूज़ का डिज़ाइन होता है वो चोरी हो सकता है। बाहर जाके आप लोगों ने जब बाय कर लिया तब जो मर्ज़ी करें, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज होती है ना वो उनमें क्वालिटी चीज़ सबके पास एक ही होगी, चमड़ा ही होगा, लेकिन ये ना पैसे जो है ना वो इसके लेते हैं। इनके पास जो डिज़ाइनर बैठे होते हैं भाई साहब, जो 20-25 लाख जो तनख्वाहें ले रहे होते हैं डिज़ाइनर, वो डिज़ाइन करके देते हैं इनको चीज़ें, तो फिर उसी हिसाब से ये लोग पैसे लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन के ही पैसे होते हैं इनके पास। और ये सारी की सारी जो है ना ग्लासेस की शॉप्स हैं, ये ग्लास की शॉप्स हैं पूरी की पूरी, इसमें डिफरेंट टाइप्स की ग्लासेज हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ अंदर जाके। ये रेबन की सारी ग्लासेस हैं। रेबन जो है ना एक बहुत ही फेमस जो ब्रांड है उसकी सारी ग्लासेस हैं। ये देखो रेबन की, ये रेबन की है, ये कोई और आ गया ओकले है, और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं सारे के सारे। चलता है नेक्स्ट। वो सामने यार यहाँ पे जो है ना वो मैं तो ना खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहा हूँ। यहाँ पे खूबसूरती इतनी ज़्यादा खूबसूरती है ना, मैं कहता हूँ एंड लेवल खूबसूरती है। और सामने जो मेरे पास सामने एक खूबसूरत पॉइंट है, वो आपको दूसरी वीडियो में भी देखने को मिलेगा, मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे खूबसूरत पॉइंट जो इसमें है वो है वाटरफॉल का। ये देखें, ये वाटरफॉल है बनी हुई, तो बहुत ही प्यारी है। ये सारी की सारी आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, तो मतलब इन लोगों ने लोगों को डाइव करवाया हुआ है, ये उसके अंदर फिक्स किए हुए हैं। और ये इन लोगों ने ना पथरीली टाइप ने जो जगह बनाई हुई है उसके ऊपर से पानी जो है वो नीचे कराते हैं। ये पानी दोबारा फिर ऊपर चला जाता है, पानी जो दोबारा फिर पंप हो के ना ऊपर चला जाता है और फिर दोबारा फिर जो नीचे आ जाता है, तो ये सिस्टम चलता रहता है यहाँ पर। फ्री जो भाई ख़त्म ही नहीं होता, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अभी मैं नीचे जाऊँगा तो अभी नीचे जा देखते हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो फूड पॉइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और अभी चलते हैं नीचे। दोस्तों, मैं आप लोगों को ना एक जो वो इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जब भी हम दुबई मॉल के अंदर आए ना, तो यहाँ पे मतलब खाने पीने की चीज़ें मतलब अपनी लेके आए साथ में, सेकंड
जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आप जो चीज़ें देखनी है ना इस मॉल के अंदर आप लोग निकालें कि भाई साहब इस मॉल के अंदर अट्रैक्शन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मतलब और भी काफ़ी चीज़ें, मतलब इस तरह गूगल कर लेना तो आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, तो फिर आप जो है वो अच्छे से सारी की सारी चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं तो आपको शाम को आप वैसे ही वापस चले जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा मॉल है तो सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपको पता नहीं लगती कहाँ पर हैं। तो अभी मैं चलता हूँ किसी कोई और चीज़ कवर करते तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये शॉप है माशाल्लाह बहुत प्यारी है, ये आई थिंक पहले भी मैंने कवर अप की होगी, नहीं ये नहीं की, ये देखें बड़ी प्यारी शॉप बनी हुई है और यहाँ देखें आजकल जो है ना वो रश ज़्यादा लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर गोरे क्रिश्चियन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मतलब उनके जो है ना वो इवेंट्स चल रहे हैं ना, तो उनके जो है वो तकरीबन इवेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं, वो तकरीबन नवंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्रिसमस मनाना हमारा, क्योंकि उनकी ईद होती है जिस तरह हमारी ईद होती है, हम तो 3 दिन मनाते हैं ना, तो ये भाई साहब 2-3 मंथ पहले मनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर लाजमी कर दीजिएगा, इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। थैंक यू सो मच। Thank you.